राधे राधे बच्चों, आज अपन टॉपिक वाइज सीरीज में आरपीएससी 2010 से लेकर 2019 में आए हुए क्वेश्चन में डायनेमिक्स पे क्वेश्चन करेंगे। तो वो एवरेज करीब 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं उसके अंदर, कभी 4 क्वेश्चन कभी 3 क्वेश्चन। तो उनको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं उनको। यदि किसी प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई 36 परास के बराबर हो तो प्रक्षेपण कौन क्या होता है? देखो क्या होता है, महत्तम ऊंचाई और 36 परास, तो महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला होता है 2g और 36 परास का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। माना थीटा एंगल पे फेंका तो उसकी मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होती है और परास ही होता है, दोनों को इक्वल कर दो। दोनों को अपन बराबर करें तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g बराबर यू स्क्वायर, इसको लिख दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ये जी से जी काट दो, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर काट दो, एक साइन थीटा से साइन थीटा काट दो, दो को उधर भेज दो, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, दो इधर फोर आएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 4, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 4। इस एंगल पे अगर आप फेंकेंगे तो परास और मैक्सिमम हाइट दोनों सेम आएगी, तो ये आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अचर बल द्वारा 20 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्य कर रहा है, अचर बल विरामावस्था से 5 सेकंड में 54 सेमी पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। तो अचर बल में फॉर्मूला लगता है v बराबर u प्लस at, कांस्टेंट टर्म में लगते हैं, तो v का मान कितना आ रहा है 54, u इनिशियली है और a निकाल लेते हैं a, और t का मान है t, तो t बराबर हो जाएगा a बराबर 18 सेमी पर सेकंड स्क्वायर ए बराबर। अब इसमें लिखा है एफ बराबर एम ए, तो बल का परिमाण क्या होगा, तो बल होगा एफ बराबर एम ए, एम का मान कितना देर का 20 ग्राम, तो 20 इंटू 18 360 डाइन, क्योंकि ये सीजीएस पद्धति है, डाइन में आएगा सर 360 डाइन, क्योंकि अपने सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखा है, इधर आपका ग्राम में चलेगा, तो आंसर डाइन में आएगा फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण का वेग समय के घन के समानुपाती है, तो 2 सेकंड बाद वेग 4 सेमी पर सेकंड है, तो उसका त्वरण क्या होगा? देखो इसमें जो वेग है वी समानुपाती टी, तो डीवी बाई डी टी 2 सेकंड बाद वेग चार सेमी पर सेकंड है, तो इसके अंदर ये आ जाएगा 2 सेकंड बाद, तो v बराबर होगा के टी, और v का मान 2 सेकंड बाद वेग 4 है, तो k की वैल्यू है k, और t क्यू का मान है t 2 का क्यू, तो k का मान आएगा 8, k बराबर 1/2 आ जाएगा, तो वेग का मान आ जाएगा v बराबर हो जाएगा के का मान हाफ आ जाएगा और टी क्यू के बराबर समानुपाती। अब ये लिखा है तो उस समय त्वरण क्या होगा, तो डीवी बाई डी टी 1/2 थ्री टी स्क्वायर, और कितने समय पूछा है 2 सेकंड बाद, तो हो जाएगा 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कट जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, ये है। तो बच्चों ये क्या है, समानुपाती है, तो समानुपाती के लिए कांस्टेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कांस्टेंट वैल्यू अपनी हाफ आ गई, वो हाफ मैंने यहाँ रख दी, उसको वापस फिर डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका अवकलन तुरंत होता है, अवकलन इसमें कांस्टेंट सी नहीं लगाते, समाकलन में लगाते अवकलन है, और इसका वापस टी स्क्वायर टी गुणा 2 पे पूछा, 2 से 2 कट गया, 6 आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। अच्छा यहाँ पे त्वरण का मान है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आंसर आ जाएगा
क्योंकि मीटर पर सेकंड में भी है, मीटर पर तो आ जाएगा तो यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर देते हो थोड़ा। एक कण 8 सेमी पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से सरल आवर्त की गति कर रहा है, इस कण का केंद्र की ओर दूरी 2 सेमी पर सेकंड है, तो आवर्त काल क्या होगा? तो इसके अंदर क्या होता है कि जो त्वरण होता है अल्फा वो होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। एसएचएम के अंदर जो त्वरण होता है वो ओमेगा स्क्वायर एक्स से समानुपाती होता है और दिशा विपरीत होती है उसका। तो एक कण का 8 सेमी पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से सरल आवर्त की गति कर रहा है, इस कण जब ये 2 सेमी पे त्वरण इतना था तो 8 आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और ये 2 आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 4 आ गया, ओमेगा बराबर 2 हो गया। तो आवर्त काल होता टी बराबर होता 2 पाई ओपन ओमेगा के वैल्यू 2 पाई से आवर्त काल 2 पाई ओमेगा, ओमेगा के वैल्यू रख दी तो ये पाई सेकंड। एक कण ए आई एम की सरल आवृत्ति कर रहा है, उस कण के केंद्र से वह दूरी ज्ञात करो जहां उसका वेग अधिकतम वेग का आधा। तो किसी पॉइंट पर जो वेग होता है ना ये होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, केंद्र से दूरी ये विस्थापन होता है और ये वेग लिखा है ए आई एम से सरल आवृत्ति कर रहा है, उस कण के केंद्र से वह दूरी निकालनी, ये दूरी निकालनी है जो उसका वेग अधिकतम वेग, तो वेग का होता है ओमेगा। अधिकतम वेग जो होता है एस एच एम में वो ओमेगा ही होता है, अधिकतम वेग ओमेगा ही होता। तो ये हो गया ओमेगा, ये इसको वो एक्स, तो ये से आपको ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, ये स्क्वायरिंग करें तो ए स्क्वायर बराबर 4 बराबर ये आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 4, तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3/2 ए, क्योंकि एसएचएम में जो वेग यहाँ पे होता है वही वेग यहाँ पे भी होता है, रूट 3/2 ए पर इधर भी वेग वही होता है और रूट 3/2 पे वेग इधर दोनों होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा रूट 3/2 ए आ जाएगा। एक कण का कोणीय वेग थीटा तथा रेखीय वेग में संबंध निम्न में से है, तो कोणीय वेग होता है ना कोणीय वेग डी थीटा बाई डी थीटा, तो कोणीय वेग हो गया आपका इसको आप डी टी से कट और इसको आर डी थीटा अपॉन डी एस और 1/r डी एस बाई डी टी, तो ये तो हो गया आर और ये बच्चा होता है साइन फाइव और ये हो जाएगा वी। और साइन फाई होता है पी बाई आर, यार ये स्पर्श रेखा है, ये कर्व है, देखो ये तो होती है ध्रुवांतर रेखा, यार होता है और ये फाई कहलाता है। ये फाइव होता और ये लंब होता है पी, ये थीटा होता है, तो पी बटा आर बराबर साइन फाइव, तो थीटा बराबर 1/r और साइन फाइव की जगह पी बटा आर लिखते हैं और ये वी होगा। ये तो ये रिलेशन है
थीटा बराबर बी पी अपॉन आर स्क्वायर। आर से गुणा कर दिया, साइन फाई लिख दिया, ये साइन फाई होता है इसके अंदर डी एस वाई डी टी, ये और पी वाई आर साइन फाई, तो पी अपॉन आर और ये आपका वी होता है, ये रेखीय वेग होता है, ये कोणीय वेग होता है। एक कण का अरीय अनुपस्थ वेग लैम्डा आर स्क्वायर और कण के अरीय अनुपस्थ वेग क्रमशः, ये तो अरीय, देखो बच्चों अरीय जो होता है ना वो तो आर के अनिर्देश होता है, मतलब डी आर वाई डी टी ई आर होता है, वो तो है लैम्डा आर स्क्वायर, और अनुप्रस्थ वेग जो होता है ना लंबत होता है, ये अनुप्रस्थ होता है और ये आर की दिशा में, तो आर के डायरेक्शन में, वो होता है आर डी थीटा वाई डी टी, ये अनुप्रस्थ है, वो दे रखा है लैम्डा थी न्यू थीटा स्क्वायर, न्यू थीटा अगर अपन डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा डी आर अपॉन आर डी थीटा लैम्डा आर स्क्वायर अपॉन न्यू टू टेटर स्क्वायर, तो डी आर अपॉन लैम्डा आर क्यू थीटा बराबर, अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो एक अपॉन लैम्डा इंटीग्रेशन कर दिया और वन बाई म्यू थीटा टू ऊपर जाएगा, टू आर स्क्वायर और ये आ जाएगा वन अपॉन म्यू, ये नीचे आएगा माइनस का थीटा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो लैम्डा बटा थीटा लैम्डा बटा थीटा इज इक्वल टू म्यू और आर स्क्वायर, और लैम्डा उसके ऊपर ले गए म्यू को, और ये आपका प्लस ये आपका किताब के अंदर डेरिवेशन भी है इसका डायनेमिक्स के अंदर, तो ये आपका तो आपका ये लैम्डा, तो ये आंसर कौन सा आ जाएगा बच्चों, लैम्डा बटा थीटा बराबर टू म्यू आर स्क्वायर अपॉन सी। ये किताब में भी डेरिवेशन है आपकी डायनेमिक्स में, इसको देख सकते हैं उसमें भी, एक कण वृत्तीय पथ पर गमन करता है तो अनुप्रस्थ वेग होता है आर डी थीटा वाई डी टी, और ये जब वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है तो आर का मान ए हो जाता है, ए थीटा होता है, ये हो जाएगा अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ वेग होता है लंबा, आर ए वेग होता है आर के अनुदिश, और ये आ जाएगा एक कण यू वेग से तथा समान त्वरण एफ से चलता है कण के द्वारा चली गई एनवे सेकंड में, देखो बच्चों एनवे सेकंड में, एन सेकंड में नहीं दो, तो फॉर्मूला होता है टी समय में तय की, टी समय में तय की गई दूरी या एन सेकंड, एन एन सेकंड में, एन सेकंड में, एन सेकंड में तय की दूरी होता है एस बराबर यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, जीरो से एन, लेकिन एनवे सेकंड का मतलब होता है एन सेकंड में तय की दूरी माइनस एन माइनस वन में सेकंड में तय की दूरी,
ये आ जाता है nth सेकंड। क्या होता है कि ये n सेकंड में तय की दूरी है और ये n माइनस वन, तो ये आपका nवे सेकंड में दूरी, nवे सेकंड में, ये n सेकंड में, ये n माइनस वन सेकंड में टोटल, तो ये nवे सेकंड में दूरी आएगी। तो n सेकंड में तय की दूरी में से n माइनस सेकंड में तय की दूरी निकालेंगे और अपना फॉर्मूला ये होता है, n सेकंड में तय की दूरी का फॉर्मूला ये होता है, या टी एन की जगह टी रख दो, तो इसके अंदर रखते हैं तो n सेकंड में आ जाएगा। तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस वन हाफ ए, बोलो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा यू, और ये हो जाएगा माइनस हाफ, क्योंकि बाहर माइनस चल रहा है प्लस है, तो हाफ ए स्क्वायर, और ये प्लस का हाफ आएगा तो ये माइनस का हाफ होगा, ये आएगा 2n, n स्क्वायर माने 2n, 2n से 2 कट जाएगा, तो ये आपका माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा। बच्चों इसको खोलोगे तो n स्क्वायर हाफ ही n स्क्वायर माइनस 2n, तो माइनस 2n से कट जाएगा हाफ से, तो an आ जाएगा, और बाहर माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा वापिस 1, तो माइनस हाफ। और इसमें कुछ कट रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, तो यार यू प्लस ए बाई टू अगर कॉमन लें तो 2n माइनस वन आएगा, तो इसमें ए बाई टू कॉमन लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये आपका ये हो गया। लेकिन यहाँ पे a की जगह f ले रखा, तो u प्लस f बाई टू 2n माइनस ये आ जाएगा n सेकंड में। देखो बच्चों n सेकंड में अलग चीज होती है, n सेकंड में अलग होता है, n सेकंड होता है जीरो से एक से प्रारंभ से n तक, n माइनस वन का मतलब प्रारंभ से n माइनस वन, और n वे का मतलब पर्टिकुलर n माइनस वन और n के बीच में, ये n वे सेकंड में, तो u, और ये इसकी जगह यहाँ पे f ले, a की जगह f लिया, अपन यहाँ a लिया, यहाँ पे f लिया, बस और कुछ नहीं, सिंपल है ना, ये फॉर्मूला भी है डायरेक्ट, याद भी रखना। किसी कण का परीक्षण द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई 36 परास के बराबर आ चुका है, टेनिस पर पूरा आ चुका है, करा दिया भी। एक सरल रेखा में गतिशील कण की गति का नियम एस बराबर हाफ वी टी से दिया जाता है, तो उसका त्वरण क्या होता है, बच्चों क्या होगा, ये एस है हाफ वी टी है, इसको डी एस वाई डी टी कर दे पर, ये वी हो गया, पहली राशि दूसरी राशि का अवकलन प्लस दूसरी राशि पहली राशि का अवकलन, पहली राशि टी का अवकलन वन हो जाएगा, प्लस दूसरी राशि टी तो वी बराबर वी बाई टू, और ये हो जाएगा हाफ टी dv by dt, पहली राशि दूसरी राशि का अवकलन, दूसरी राशि पहली राशि का अवकलन, अच्छा ये v से v v by 2 हो जाएगा, t दो से दो काट दो, तो जो dv by dt आ रहा है वो v by t आ रहा है, अब इसमें वी वाई टी नहीं है ना, इसको एस के चेंज में कर ले, तो अपन क्या करते हैं इस टी को एलिमिनेट कर देते हैं, इससे एस बराबर है हाफ वी टी, तो टी की जगह टू एस अपॉन वी रख दें, इससे तो ए आ जाएगा टी टू एस अपॉन वी, तो वी स्क्वायर अपॉन टू एस,
ऐसा करो, इसको टी की फॉर्म में, नहीं, वी को रखो। वी वाई टी, वी को रखो, तो बी बराबर है टू एस अपॉन टी। तो ये वी की जगह अगर टू एस अपॉन टी अपॉन टी, टू एस अपॉन टी स्क्वायर, ये टू एस अपॉन टी स्क्वायर, वो भी सही था लेकिन आंसर इसमें है नहीं, आंसर वो फॉर्म में नहीं था, आंसर अपन को उस फॉर्म में लिखना। तो ऐसा होगा बी की जगह, तो बी की जगह टू एस अपॉन टी अपॉन टी, तो टी क्या क्या हो जाएगा, टू एस अपॉन टी, तो ये आंसर फोर आ जाएगा। एम द्रव्यमान का कण एक निश्चित बिंदु से हवा में क्षितिज के साथ अल्फा कोण बनाते हुए एक से प्रेक्षित जाता है, तो उस दौरान उसका क्षितिज वेग, बच्चों क्या होता है कि जैसे प्रोजेक्टाइल करते हैं तो ये वेग है यू, ये तो इसका हॉरिजॉन्टल घटक होता है यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, टी टाइम बाद वी हो जाता है, एंगल अल्फा बना रहा है तो वी कॉस अल्फा, और ये हो जाता है वी साइन अल्फा। लेकिन बच्चों पूरे प्रोजेक्टाइल के अंदर क्षितिज वेग हमेशा यू साइन थीटा बराबर, नहीं क्षितिज यू कॉस थीटा बराबर वी कॉस अल्फा हमेशा नियत रहता, क्योंकि इसमें जी लंबत रखता है, ये जी हमेशा, तो जो जी वेलोसिटी की लंबत होता है वो जी वेग का नहीं चेंज करते, वो वेग को चेंज नहीं करते, ये तो इसमें क्षितिज वेग हमेशा क्या रहेगा, अच्छा रहता प्रोजेक्टाइल। एक प्रक्षेपी की क्षैतिज परास 3 इकाई तथा अधिकतम ऊंचाई 10 इकाई प्राप्त करता है, तो प्रक्षेप कोण अल्फा। तो बच्चों इसको ऑप्शन से करेंगे, देखो तो इसमें अधिकतम ऊंचाई है 10, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g 10, और क्षैतिज परास वो दे रखा 30, डिवाइड कर दो। अच्छा यहां पे क्या है, ये एल्फा थीटा की जगह अल्फा लेना है, क्योंकि तो प्रक्षेपी कोण अल्फा है, जी से जी कट जाएगा। अच्छा यहां पे आएगा साइन, एक साइन से साइन कटेगा और इधर टू, एक साइन से साइन कट जाएगा, टू कॉस अल्फा है, टू इंटू इसका भी कोट लोगे साइन टू अल्फा, टू टू कॉस अल्फा, ये आएगा 1/3। तो अपने पास टेन अल्फा की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 4। और बच्चों इसमें सारे ऑप्शन में टेन अल्फा की जगह तो अपन 4/3 रख देंगे, अब साइन टू अल्फा और रख देते हैं। साइन टू अल्फा होता है 2 sin alpha cos alpha, देखो जैसे tan alpha बराबर ये है तो sin alpha बराबर होगा 4/5 और cos alpha बराबर होगा 3/5 ट्रिग्नोमेट्री से, तो sin 2 alpha बराबर हो गया 2 into sin alpha 4/5 और cos alpha 3/5, तो ये हो जाएगा 24/25। तो ये sin 2 alpha की वैल्यू भी आ गई, तो साइन टू अल्फा की वैल्यू भी आ गई और ये भी आ गई। अब अपन ये चौथे ऑप्शन में रख के देखते हैं, तो ये आते 3 गलत हो जाएगी, चौथे अपन में बता देता हूँ, ऑप्शन में रखें तो 25 sin 2 alpha, बाकी सब आपको तो अलग अलग रख के देखनी है, बता दूंगा आपको और अब नहीं आएगा, बराबर 9 tan alpha इसमें रखें, तो ये हो गया 25 और साइन टू अल्फा की जगह 24/25 प्लस 1। आपको सारे साइन अल्फा और टेन अल्फा में चेंज कर सब में वैल्यू रख के देखेंगे, लेफ्ट और राइट बराबर हो जाए, बराबर 9 और टेन अल्फा है कहाँ,
चार बटा तीन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आ जाएगा 25 से 25 कट जाएगा, 49/25 और इधर भी देखो 9 आ रहा है, और यह 4 3 7 7/3 का होल स्क्वायर, तो साथ में ये भी कट जाएगा आपका, तो 49/49 आ रहा, तो ये 7 3 9 7 कट जाएगा। तो एक ऑप्शन ऐसा है फोर्थ, मैंने फोर्थ में रखा है इसमें डायरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन ऐसा है जो लेफ्ट और राइट को इक्वल करेगा और कोई सी इसके अंदर आपका नहीं आएगा इसके अंदर, ये फोर्थ और फर्स्ट, फर्स्ट भी मैं थोड़ा मिस्टेक कर दिया मैंने इसमें, ये माइनस है, माइनस ये, तो ये और मैं लेफ्ट राइट नहीं होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, टेन एल्फा की वैल्यू अलग से निकालनी है, साइन टू एल्फा अलग निकालनी है, और उनको वैल्यू रख रख के देखो कि कौन लेफ्ट राइट के बराबर होगा। ये वैसे ऐसे ड्राइव करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बस ये आंसर हो जाएगा फोर्थ आ जाएगा। 20 किमी प्रति घंटे की दौड़ने वाले किसी व्यक्ति के लिए बरसात की बूंद ऊर्ध्वाधर 30 डिग्री कोण पर नजर आ रही है, तो बरसात की बूंद वास्तव में ऊर्ध्वाधर से नीचे की ओर गिर रही है। देखो बरसात तो ये वी आर है, ये एक्चुअल रिलेटिव वेलोसिटी का सवाल है, और ये वी एम है, वी एम 20 किमी प्रति घंटा, और बरसात बरसात ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री कोण पर गिरती थी, तो ये क्या होगा अपन को निकालना, बी आर बी एम बरसात का व्यक्ति के साथ, तो उसको वेक्टर में दिखाएंगे, तो ये तो वी एम है, ये वी आर है, तो इसको इधर दिखाओगे ये हो गया माइनस वी एम। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ट्राइंगल के हिसाब से, इसको इधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वी आर माइनस वी एम, वी आर एम, ये क्या कर रहा है, ये वी आर बरसात का एक्चुअल वेग, ये वी एम का थिकनेस, इसका वी आर माइनस वी एम करना है रिलेटिव वेलोसिटी में, तो ये वी एम हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट। तो ये ट्राइंगल लॉ से अपन इसको इधर उठा लें, तो ये आ जाएगा वी आर माइनस वी एम, और ये एंगल कितना दे रहा है, ये यदि बरसात की बूंद वास्तव में ऊर्ध्वाधर से नीचे गिर रही है, ये तो, और वह 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 20। तो tan 30 बराबर Vm अपॉन Vr, तो ये सवाल आप छोड़ देना क्योंकि तुम्हें डाइनिंग से इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता, बस ये बस मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो वी एम का मान हो जाएगा 20, वी आर निकालना है, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 20 अपॉन वी आर, तो वी आर बराबर 20। तो बच्चों ये टॉपिक तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत डिटेल में होता है, फिजिक्स चीज ने पढ़ रखी है अच्छी तरह, वो ही समझ सकता है इसको, बाकी रिलेटिव वेलोसिटी टफ पड़ता है, इसलिए आप इस टॉपिक को तो मैंने बता दिया सॉल्यूशन, इसको आप छोड़ देना एग्जाम में आए तो छोड़ देना, रिलेटिव वेलोसिटी जो भी रिलेटेड सवाल है वो छोड़ना ही है। एक पिन की 36 से 60 डिग्री कोण पर 49 मीटर/सेकंड की गति से फेंका गया, और कितने समय तक, तो ऊपर जाने में जो होता है ना, ये तो ये यू कॉस थीटा होता है, ये यू साइन थीटा होता है, तो उच्चतम बिंदु पे वेग जीरो हो जाता है, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो अधिकतम ऊंचाई पहुंचने में लगा समय होता है टी बराबर यू साइन थीटा पहुंची, ये तो है अधिकतम ऊंचाई, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई में फाइनल वेग जीरो हो जाता है, अधिकतम ऊंचाई पहुंचने में लगा सो, लेकिन अपन को क्या करना है,
कितने समय तक, जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय, तो उड्डयन काल होता है टी बराबर होता है टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो दो और यू की वैल्यू कितनी दी है 49 साइन 60 रूट तीन बटा दो जी जी आपका है 9.8। तो ये 98 इसको इसको काटोगे तो 10 आएगा, 10 रूट तीन बटा दो या 5 रूट तीन या 5 रूट तीन सेकंड। एक कण 30 सेकंड में तय की दूरी एस सेमी निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है तो एक सेकंड पश्चात उसकी गति क्या होगा, तो वेग निकालना है तो डीएस बाई डी टी 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 और t बराबर 1 रख दो तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर ये भी आ गया t बराबर 1 का। तो वेग का मान कितना देगा 8 सेमी पर सेकंड। एक पत्थर को किसी निश्चित ऊंचाई से गिराने पर वह जमीन पर 5 सेकंड में पहुंचता है, यदि पत्थर को गिरने के 3 सेकंड बाद उसे रोक दिया जाए तो फिर पुनः गिरने दिया जाए तो शेष दूरी को, तो बच्चों को क्या है इस पत्थर को गिराया और ये 5 सेकंड पे जमीन पे आ गया तो ये जो एच होगी यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो एच जो पूरी हाइट होगी वो होगी 25/2g। 5 सेकंड में नीचे आता है तो 25/2g दूरी तय करता है, लेकिन ये क्या कर रहा है यदि पत्थर को गिरने के 3 सेकंड बाद रोक दिया जाए तो 3 सेकंड में तय, ये तो है 5 सेकंड में, अब 3 सेकंड में हो जाएगा 3 सेकंड में h डैश h1 तो u 0 प्लस हाफ जी 3 का स्क्वायर, तो h1 बराबर हो जाएगा 9/2g। अब इतनी के क्या बाद अपने 3 सेकंड बाद रोक दिया तो 9/2g तो दूरी तय कर चुका ना, और फिर पुनः गिरने दिया जाए तो स्थिति ये हो गई कि ये 5 सेकंड में 3 सेकंड बाद यहां तक अपन रोक दिया, ये हो गई h1, ये हो गया h2। अब यहां पे वापिस 0 हो जाएगा, तो रोक दोगे तो 0, तो ये दूरी जो बाकी h2 है ना ये तय करेगा। अब ये h2 कितनी होगी, h2 बराबर होगी 25/2g में से शुरू के 5 सेकंड, ये h है, शुरू के h है 5 सेकंड में तय की दूरी में से अपन 3 सेकंड में दूरी निकाले तो 9/2g, तो h2 बराबर 25 में से 16 8g। अब टाइम h2 को लेकर फिर वो यहां पे जब छोड़ोगे तो 0 वेग से आएगा वापस, तो 0 वेग से आएगा तो 8g बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, जी से जी कट गया तो टी स्क्वायर बराबर क्या आएगा 16, तो टी बराबर 4 सेकंड, तो उसको 4 सेकंड लगेंगे आने में वापस। एक पिंड का ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 490 प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है और वापस अपनी जगह पर, वह वापस अपनी जगह तो वे 490 है ना, तो जितना जाने में लगेगा ना उतना ही आने में लगेगा, तो आपका क्या करो v बराबर u माइनस जी टी, ऊपर जा रहा है तो इसको 0 कर दो, ये 490 हो जाएगा माइनस जी हो जाएगा 980, क्योंकि सेमी पर सेकंड है तो जी का मान 980 सेमी पर सेकंड इसका लिया जाता, तो t बराबर हो जाएगा हाफ सेकंड।
लेकिन ये कह रहा है वापस अपनी जगह कितने समय बचा, तो जितने जाने में समय लगता है ना उतना ही आने में लगता है, तो टोटल टाइम हो गया टी बराबर 2 × 1/2। एक सेकंड जीता, एक पिंड को मूल बिंदु से प्रारंभ होकर एक्स अक्ष के साथ इस प्रकार गति करता है कि वे बिंदु x0 पर उसके द्वारा वेग, कोई बिंदु x0 पर उसका वेग का मान यह है, तो पिंड का निम्न बिंदु पर कभी नहीं पहुंचेगा। तो अपन क्या करते हैं डी एक्स बाई डी टी कॉस स्क्वायर पाई एक्स, डी एक्स अपॉन पाई एक्स तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर डी टी। टी प्लस सी तो ये हो जाएगा सेक का होता है 10 पाई एक्स अपॉन पाई। अब बच्चों इसमें क्या होगा, अपन जो एक्स रखेगा उसका टाइम आ जाएगा, जो एक्स उसका टाइम आता रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा एक्स का मान जैसे 1/4 रखा तो 1/4 पर ही टाइम आ जाएगा, लिमिट वैल्यू डेफिनेट वैल्यू आएगी एक्स, लेकिन ये एक्स बटा हाफ पे क्या हो जाएगा, एक्स पे ये अनंत हो जाएगा, मतलब एक्स बटा 1/2 का मान यहाँ पर रखें तो ये इन्फाइनाइट हो जाता है, तो इन्फाइनाइट पहुँचने में लगा समय, मतलब एक्स बटा हाफ को इन्फाइनाइट लगेगा, इन्फाइनाइट का मतलब वो कभी पहुँचेगा ही नहीं, तो इन्फाइनाइट को टाइम ही नहीं होता, तो वो पहुँचेगा ही नहीं, इन्फाइनाइट लगता है वो टाइम। तो जहाँ पे टी क्या होगा कि तो ये एक्स बराबर हाफ रखोगे तो ये हो जाएगा 10 π/2 / π टी प्लस सी, तो ये आपका इन्फाइनाइट आ रहा है, इन्फाइनाइट। तो इसको पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, इन्फाइनाइट टाइम, तो इन्फाइनाइट पॉसिबल ही नहीं, तो वो टाइम ही पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या आएगा, रखें ऑप्शन पे रखोगे तो हर की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये वैल्यू ऐसी है जिसमें टाइम का अनंत आना पड़ेगा, तो अनंत को टाइम नहीं होगा, तो वो एक्स भी अपन को जब टाइम अनंत नहीं होता मिलता नहीं है, टाइम अनंत नहीं मिलता तो वो एक्स भी नहीं मिलेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा। देखो ये आपका सही है, अधिकतम उच्चतम तो पहुंचने में लगा समय सही होता है, उच्चतम तो बिंदु पे पहुंचने में लगा समय ये गलत है, ये उच्चतम बिंदु पहुंचने में लगा समय होता है u sin α/g होता है, ये गलत हो गया, और परास का फॉर्मूला होता है u² sin 2α/g होता है, ये भी गलत हो गया, और ये समीकरण होता है y tan α - g/2 x²u²cos²α होता है, ये होता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये ऐसे आता है y बराबर होता है जैसे ऊंचाई, भाई अगर किसी प्रक्षेप में ऊंचाई निकाले, ये देखो ये आपका y मान लें, ये x है, तो y बराबर होता है u sin θ (t) - ½ gt² और u cos θ हॉरिजॉन्टल परास ये x है, और तो u cos θ (t) = x होता है, तो t को एलिमिनेट कर दें तो y बराबर u sin θ और t की जगह क्या रखोगे x/u cos θ - ½ g, और x t की जगह आ जाएगा x/u cos θ² ये आता। तो जो प्रक्षेप की समीकरण होती है y बराबर ये x है ये बच्चों x tan θ - ½ g x² /
यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होती है। तो तीनों आपके, जब यहाँ साइन स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये भी गलत हो गया, और तो ऑटोमेटिक किया जाएगा ये सही हो जाएगा। इसके लिए क्या समीकरण निकालना पड़ेगा आपको, प्रोजेक्टाइल लंबा हो जाएगा, लेकिन नंबर तीन गलत कर दिए तो आपका चौथा अपना आप ये भी हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा उसका। ये तो मैंने गलत गलत बता दिया, तो कौन सा सत्य होता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, एक कण गुरुत्वाकर्षण के दिन ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील है, तो निम्न में से कौन सा खतरा, यदि विराम से कण को छोड़ दिया जाए तो एज गिरने के पश्चात वेग क्या होगा। देखो अगर यू बराबर जीरो और एच गिरने के बाद, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, तो वी बराबर होता है टू जी एच का रूट, ये जीरो है, ये भी है। तो ये आपका पहला होता है, किसी ऊंचाई एच तक पहुंचने का समय, तो किसी ऊंचाई का एच का समय ये नहीं होता ऊंचा, और अधिकतम ऊंचाई, अच्छा अधिकतम ऊंचाई जो होती है ना बच्चों, वो होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माने 2gh, जीरो, ये जीरो होती है, ये अधिकतम ऊंचाई होती है। और अधिकतम ऊंचाई में पहुंचने में लगा समय क्या होता है, तो ये जीरो, तो t बराबर होता है u बाई जी, ये अधिकतम ऊंचाई पहुंचने में लगा समय। पहुंचने में लगा समय ये होता है, और किसी अधिकतम किसी ऊंचाई h को गिनने में लगा समय, ऊंचाई को पहुंचने में, किसी ऊंचाई को h तक पहुंचने में लगा, कैसे करा है, यदि कण को ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील है, जो निम्न में से यदि विराम से कण छोड़ दिया जाए तो ये अधिकतम ऊंचाई h पहुंचने में लगा समय होगा। ये समय का फॉर्मूला ही नहीं है, फॉर्मूले का समय ut प्लस आप dt, समय का फॉर्मूला ही नहीं है, फॉर्मूला एच टी माइनस आप dt स्क्वायर होता है। अगर ऊपर फेंकते हो, ऊपर फेंकते हो तो ये, और नीचे गिराते हैं ना तो ये होता है। तो आपका एक ही ऑप्शन सही हो रहा है, नीचे गिराने में लगा समय होगा टी टू एच अपॉन जी, ऊपर से अगर सक्षमता पूर्वक छोड़ोगे तो एच ऊंचाई गिरने में लगा समय होगा टू एच अपॉन जी। तो बच्चों ये मैंने सारे सवाल आपके कर दिए हैं, इसमें टोटल आपके 21 सवाल आ रहे हैं, तो एवरेज तीन, कभी तीन आते हैं कभी चार आते हैं, तो तीन और चार का आपका टोटल एवरेज आ रहा है, तो आप इनको देख, और जो कोई कठिन है तो आप इसको छोड़ दें, क्योंकि थोड़ा टफ पड़ती है डायनेमिक्स छोड़, क्योंकि अपन को हर चीज़ नहीं सीखनी है, अपन को एग्जाम पास करनी है, तो जरूरी नहीं इसको, अगर कुछ टॉपिक अगर आते हैं तो कर लीजिए, नहीं आए तो आप छोड़ भी सकते हैं इसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सतत अभ्यास चाहिए इसके लिए, तो ही हो पाती है डायनेमिक्स। तो आज के लिए तो थैंक यू बच्चों, बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से देखें, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, जिससे मैं और भी वीडियो दे सकूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।